स्टिंग्रेस से बीज उपचार करने के तरीके। आज का हमारा टॉपिक है कि स्टिंग्रेस से हम बीज उपचार किस प्रकार से कर सकते हैं। काफी किसान भाइयों के कमेंट्स आते हैं कि सोयाबीन में बीज उपचार किस प्रकार से किया जाता है, कपास में बीज उपचार किस प्रकार से कर सकते हैं, बीज उपचार करने के लिए स्टिंग्रेस की मात्रा क्या होनी चाहिए। तो आइए आज जानेंगे के बीज उपचार हम किस प्रकार से कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि एक टेबल दिया हुआ है और इस टेबल में हर प्रकार के जो फसल हम खेतों में लेते हैं तो उसके बीजों का उपचार किस प्रकार से कर सकते हैं, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी दी है। तो आज हम जानेंगे तिलहन। तिलहन में जैसे सोयाबीन आता है, मूंगफली आती है, सूरजमुखी आती है, अरंडी आती है, ये सारे द्विदल बीज होते हैं। और इन बीजों को हम किसी भी घोल में डुबो के नहीं रख सकते, क्योंकि इन बीजों का आवरण जो होता है वो बहुत ही नाजुक होता है और किसी भी घोल में या पानी में मिलाने से ये जो उसका आवरण है ये निकल जाता है। तो सोयाबीन हो गई, मूंगफली हो गई, सूरजमुखी हो गई, इन बीजों में बीज उपचार किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम घोल बना लेते हैं, स्टिंग्रेस का घोल बना लेते हैं। स्टिंग्रेस की मात्रा 1 लीटर में 1 ml लेना चाहिए। हम अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने के लिए 1 लीटर पानी में 2 ml स्टिंग्रेस ले सकते हैं। सबसे पहले जो घोल स्टिंग्रेस का बनाया है इसको सारे बीजों पर हमको छिड़कना होता है और उसके बाद हाथ से उसको मिलाना होता है, अच्छी तरह से मिलाना होता है ऊपर नीचे, ताकि जो स्टिंग्रेस का घोल बनाया है ये हर बीजों को लग जाए। ऊपर नीचे करने के बाद में ये घोल लग जाता है। उसके बाद में इन बीजों को छांव में सुखाया जाता है। ध्यान रहे कि स्टिंग्रेस लगाने के बाद इन बीजों को धूप में हमको नहीं सुखाना है, और सूखने के बाद में स्टिंग्रेस का घोल जो बनाया है वो बीजों पर आपको छिड़कना है और उसको अच्छी तरह से बीजों को मिलाना चाहिए, ताकि स्टिंग्रेस का जो घोल है वो हर बीज को लगे, और उसके बाद उसको फैला देना है, अच्छी तरह से फैला देना है। अगर हो सके तो टेबल फैन की हम वीडियो में देख सकते हैं कि हमारे एक किसान भाई ने किस प्रकार से स्टिंग्रेस का घोल पूरे बीजों पर फैला दिया है और अच्छी तरह से बीजों को एक साथ में मिला दिया है। इससे ये होता है कि बीज जो है बीजों को स्टिंग्रेस अच्छी तरह से मिल जाता है, लग जाता है, और उसके बाद में इसको थोड़ा हवा भी मिलनी चाहिए, या छांव में सुखाए तो भी चलेगा, और अच्छे से सूखने के बाद में हम इसको खेतों में बो सकते हैं। अब बीजों पर छिड़काव कैसे करें? तो देखिए बहुत सारे उपाय हैं। आप घर में 1 लीटर का स्प्रे पंप भी ले सकते हैं। 1 लीटर के स्प्रे पंप में आप 1 लीटर पानी डालने के बाद में उसमें स्टिंग्रेस जो है या आप 2 ml डालिए, या कम से कम 5 ml भी डालिए तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ज़्यादा भी अगर स्टिंग्रेस दिया तो कोई प्रॉब्लम, कोई नुकसान तो उससे होने वाला नहीं है। तो ये 1 लीटर के स्प्रे में लेके आप बीजों पर अच्छी तरह से छिड़काव कर दीजिए, और छिड़कने के बाद में उसको दोनों हाथों से अच्छी तरह से मिला दीजिए, और मिलाने के बाद में उसको पूरी तरह से ऐसे फैला दीजिए। अच्छे से फैलने के बाद में उसको हवा लगेगी तो बीज अच्छी तरह से सूखेंगे, और बाद में फिर हम इसको खेतों में बो सकते हैं। किसान भाई अलग अलग प्रकार के तरीके आजमाते हैं। एक तरीका ये है कि किसान भाई के पास में जो पंप होता है जिससे हम स्प्रे करते हैं, तो ये स्प्रे पंप को अच्छी तरह से आप धो लीजिए, क्योंकि केमिकल का होता है,
तो इस पंप को अच्छी तरह से धो लीजिए और उसमें आपके बीजों के अनुसार उसमें पानी ले लीजिए और उसमें स्टीम रेत डालिए। जैसा मैंने कहा कि 1 लीटर को 1 ml या 2 ml ले सकते हैं आप, 1 लीटर को 5 ml तक भी स्टीम रिच ले सकते हैं। अगर आपका 10 लीटर पानी है तो आप 50 ml स्टीम रिच डाल सकते हैं। तो स्प्रे पंप से भी आप बीजों पर स्प्रे कर सकते हैं और उसके बाद में उनको हाथों से अच्छी से मिला दीजिए। दूसरे हमारे बीज है दाले, यानी कि मटर, चना, अरहर, मूंग दाल और उड़ीद आदि प्रकार के बीजों में भी आप इसी प्रकार से बीज उपचार कर सकते हैं। तो जैसे कि स्टीम रिज का घोल बना लीजिए और स्टीम रिज का घोल बनाने के बाद में बीजों पर छिड़किए, दोनों हाथों से बीजों को ऊपर नीचे करके अच्छे प्रकार से मिला दीजिए। उसके बाद में उसको पूरी तरह से फैला दीजिए और छांव में कम से कम 30 मिनट सूखने के लिए रख दीजिए। इसी प्रकार से मटर, चना, अरहर, मूंग दाल, उड़ीद आदि बीजों पर हम स्टीम रिज का बीज उपचार कर सकते हैं। और स्टीम रिज का बीज उपचार करने से क्या क्या फायदे हैं ये तो हमने इसके पहले की वीडियो में देखा है। मिलते हैं इस बीज उपचार के अगले पार्ट में। जय हिंद।